को लेकर किस तरह कार्रवाई की जा रही है प्रशासन ओर से? यहाँ पे आज एक जमात आई थी अन्य अन्य जिलों से, उसमें 12 मार्च से फिरोजाबाद से करीब 10 लोग आए थे जो यहाँ पर मस्जिद में रुके हुए थे, और इन्होंने ये जमाती थे, इनको 30 तारीख को जब अभियान चलाया गया उसके बाद इनको उसी मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से चूँकि ज़िले में सारे लोगों का इस समय टेस्टिंग चल रही है, इनकी भी टेस्टिंग कराई गई, तो इसमें से इमरान सनाफ है इसका भाउद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फिरोजाबाद का रहने वाला है, ये इसका पॉजिटिव पाया गया है कन्फर्मेटरी टेस्ट में, और बाकी जो 9 लोग इसके साथ में थे उनका सबका निगेटिव पाया गया है। तो इसको एहतियातन हरदुआगंज में जो L1 हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, बाकी को जो हमारा 6 रथ में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है उसमें उनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। उसे 1 किलोमीटर के एरिया दायरे को सील कर दिया गया है, बैरिकेटिंग क्लियर कर दी गई है, नगर निगम की टीमें उनको सैनिटाइज़ कर रही हैं, और इसके साथ साथ मेडिकल टीमें लगी हुई हैं जो घर घर जा कर के सबका मेडिकल परीक्षण कर रही हैं। रैंडम बेसिस पर लगभग 25 लोगों का सैंपल डेली लिया जाएगा और उसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। उस एरिया को पूरी तरह से सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एडीएम फाइनेंस और DSO की अध्यक्षता में एक टीम बना दी गई है जो इस चीज़ को देखेगी और डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कराएगी। तो इस तरह से वहाँ पर उस एरिया में केवल सैनिटाइजेशन की टीम, हेल्थ की टीम और जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली टीम, इसके अलावा कोई उस एरिया में नहीं आ सकता है। पुलिस को SSP को भी कह दिया गया उस एरिया में फोर्स की तैनाती कर दें और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूरे बाहर ना करें, और वहाँ पर बैंक और इस तरह की भी जो संस्थाएं हैं उन्हें भी बंद करने के आदेश कर देंगे। ठीक है।